हे गाइस वेलकम बैक। तो यार आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में। ये कॉन्सेप्ट हो सकता है कुछ दोस्तों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट इस वीडियो को देखने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। अगर और भी कॉन्सेप्ट हैं जो आपको C++ में टफ लगते हैं तो देखो, चार चार मिनट में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई हैं। मन करे तो एक बार विजिट कर लेना। चलते हैं वापस, यहाँ पर सारी चीज़ें आपके सामने कराई जाएंगी। हम टर्बो C++ की बात कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे कॉलेजेस में आज भी टर्बो C++ चलता है, तो टर्बो C++ के थ्रू हम पहले इस कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सॉफ्टवेयर्स के थ्रू आपको YouTube पर मिल जाएगा, टर्बो C++ के थ्रू मिलेगा बट कंप्लीट अच्छे से नहीं मिलेगा। तो चलते हैं, बिग स्क्रीन करने के लिए एल्ट के साथ एंटरप्राइज करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड, studio.h, hash include, एक्चुअली मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ C और C++ में। ये वीडियो काफी टाइम के बाद आ रही है तो ये गलती से स्टूडियो लिख दिया। conio.h क्योंकि आपका ये C के अंदर स्टूडियो आ जाता है और यहां आ जाएगा iostream.h, ये आपकी हेडर फाइल्स हो गई। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले अपनी मेन क्लास को डिफाइन करेंगे, मेन क्लास। अब क्योंकि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा तो ये हो जाएगा void, ये सिंपल उसी तरीके से जैसे हम हमेशा करते हैं। और जो इसमें मेन चीज होती है वो क्या होती है, सबसे पहले अपनी स्क्रीन को क्लियर करना, clrscr, क्लियर स्क्रीन, उसके बाद getch। ये चीज करना कंपलसरी है, ये आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, इतना करने के बाद में आप क्या करोगे, हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में। इतना समझ आया तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास एक क्लास होगी, ऑब्जेक्ट होगा। अगर ये सारी चीज आपको नहीं पता तो एक बार देख लेना, बाकी वरना मैं बता रहा हूं। चलो एक क्लास बना लेते हैं सबसे पहले, क्लास, उस क्लास का नाम रख देते हैं नंबर, नंबर। अब आपको पता है इसके अंदर वेरिएबल डिफाइन होंगे, तो इंट के अंदर हम ले लेते हैं दो वेरिएबल्स ए और बी। पब्लिक सेक्शन डिफाइन कर लेते हैं, पब्लिक सेक्शन। इस पब्लिक सेक्शन के अंदर यहां हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे, कंस्ट्रक्टर। अब वो कंस्ट्रक्टर क्या होगा, इस जो क्लास है इसी के नाम का होगा। मैं आपको सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं बहुत आराम से ताकि आपको अच्छे से समझ आए, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो। अगर ये चीजें पढ़ रखी थोड़ा स्पीडली देख लो 2x के थ्रू, सॉरी मैंने शिफ्ट बहुत देर दबा के रखा, 2x के थ्रू देख लो, वरना तो अगर आपको नहीं पता तो इजीली आराम से समझाई रहा हूं। ठीक, अब यहां नंबर हो गया, अब यहां क्या होगा, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये हमारा है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले हमारा आएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो यहां पर कंस्ट्रक्टर हमारा नॉर्मली वैल्यू को, जो वैल्यूज सेट हमारे वेरिएबल्स हैं उन्हें सेट करने का काम करता है, मतलब कि वैल्यूज सेट करने का। अब हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल हैं, ए और बी। अब हमने यूजर से कुछ नहीं लिया है तो ए की वैल्यू जीरो रख देंगे और बी की वैल्यू जीरो रख देंगे अपनी तरफ से, या आप और कुछ चाहें तो और कुछ रख सकते हैं। ये हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और उसके बाद में एक कंस्ट्रक्टर ले लेंगे जिसके अंदर सिर्फ होगा एक वेरिएबल। ठीक, उसी तरह एक और कंस्ट्रक्टर ले लेंगे जिसके अंदर होंगे दो वेरिएबल्स एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं क्या होता है, तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता है कई सारे कंस्ट्रक्टर्स को एक ही क्लास के अंदर यूज करना, कई सारे कंस्ट्रक्टर्स को विद डिफरेंट पैरामीटर्स। मतलब कि एक के अंदर हम कोई पैरामीटर यूज नहीं कर रहे, दूसरे के अंदर हम एक पैरामीटर यूज कर रहे हैं, तीसरे के अंदर हमने दो पैरामीटर यूज कर लिए, ताकि हम इन तीनों कंस्ट्रक्टर्स को डिफरेंशिएट कर पाए। हम क्या, हमारा प्रोग्राम इसे डिफरेंशिएट कर पाए, कंपाइलर को पता लग पाए कि हम कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास सेकंड कंस्ट्रक्टर के अंदर, जिसके अंदर हमारा एक आर्ग्यूमेंट एक पैरामीटर हमारे पास आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस पैरामीटर की वैल्यू को यूज कर लेंगे एक्स के थ्रू। ठीक है, उस वैल्यू को हमने ए को दे दिया और बी की वैल्यू हमने जीरो पुट कर दी क्योंकि कोई और वैल्यू अवेलेबल नहीं थी। अब यहां पर इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारे पास दो वैल्यूज हैं जो आ रही हैं,
इन दोनों वैल्यूज को हम यूज कर लेंगे, यहां सेमी कोलन लगा देते हैं, इन दोनों वैल्यूज को हम यूज कर लेंगे ए के लिए भी और बी के लिए भी। ए की वैल्यू हो जाएगी एक्स, बी की वैल्यू हो जाएगी वाई। ठीक, तो ए और बी की वैल्यू हो गई। अब ए और बी की वैल्यू होने के बाद अब क्या, कंस्ट्रक्टर काम हो गया यहां पर हमारा पूरा। इसके अंदर एक बना देंगे मेथड गेट डेटा, गेट डेटा के नाम से। ये सारे अभी कंस्ट्रक्टर थे, अब ये एक अकेला मेथड आया गेट डेटा। इसके अंदर कुछ नहीं करेंगे, बस जो हमारा डेटा है उसी को हम प्रिंट कर देंगे। अब प्रिंट किससे करेंगे, सी आउट की मदद से मैसेज लिख देंगे, द वैल्यू ऑफ ए इज, ए की हमारी वैल्यू क्या है ये शो करने के लिए ए। एक्चुअली मैं सबसे इजी जो प्रोग्राम हो सकता है वो बता रहा हूं आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो कॉन्सेप्ट समझिए, प्रोग्राम की कोई बात नहीं, बस कॉन्सेप्ट समझिए। द वैल्यू ऑफ ए इज ए, और नेक्स्ट लाइन में आप चले जाएंगे एंड एल। उसी तरह सी आउट, द वैल्यू ऑफ बी इज बी एंड एल। ठीक, तो यहां हमने गेट डेटा बना दिया और तीन हमारे कंस्ट्रक्टर बन गए हैं। अब लेकिन हमने अभी तक मेन क्लास के अंदर अपना कुछ नहीं कराया, तो हमारे पास आउटपुट में हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो अब क्या करेंगे, अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो क्लास का नाम क्या है, नंबर, और उसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट ओबीजे वन। ठीक है, तो ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट वन। अब यहां देखो, अब अगर हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मतलब कि जो हमारा वेरिएबल, जिस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने कुछ भी पास नहीं किया, अगर हम इसे यूज करना चाहते हैं, तो इसे यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, नॉर्मल ऐसे लिख देंगे और क्या करेंगे, ओबीजे वन डॉट गेट डेटा, इतना लिख देंगे। ठीक, इतना लिखने के बाद अगर रन करेंगे F9 के साथ, तो एरर देख लेते हैं, नंबर डिक्लेरेशन मिसिंग, गेट डेटा इज नॉट मेंबर ऑफ नंबर। एक सेकेंड, क्लास नंबर एक सेकेंड, यहां पर गेट डेटा के पीछे हमने कोई वॉइड नहीं लगाया। अब रन करके देखें, अब भी एरर है। ओके, तो यहां हमने इंट टाइप का नहीं बताया, ये जो वैल्यूज हैं ये हमारी इंटीजर टाइप की हैं। तो छोटे मोटे एरर्स आएंगे, बट इन्हें क्लियर करना जरूरी है। ठीक, तो ये वीडियो मैं काफी दिनों के बाद बना रहा हूं, तो इसलिए एरर आया और कुछ नहीं है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ए इज जीरो, द वैल्यू ऑफ बी इज जीरो। ठीक, अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। अभी तक हमारा कौन सा वाला डेटा यूज हुआ, जहां हमने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करा, कोई पैरामीटर पास नहीं करा। अगर हम एक पैरामीटर दे दें तो हमारी वैल्यूज बदल जाएंगी। देखो, दिखाता हूं, हमारी वैल्यूज आ गई, ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू जीरो। अगर हम यहां एक और पैरामीटर दे दें तो वैल्यूज फिर बदल जाएंगी, ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू फोर। ठीक, क्या समझ आया, हम कई सारे कंस्ट्रक्टर को एक क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं, बट उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स की जो वैल्यूज हैं, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। थैंक यू।